जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दिन एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे बात करेंगे फोर्थ हाउस को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके जीवन का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ग्रह उनकी पत्रिका में क्या कर रहे हैं, क्या दशाएं कह रही हैं, अवश्य मुझसे जान सकते हैं। संपर्क करना बहुत ही आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, वास्तु शास्त्र सीखना है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे और ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फोर्थ हाउस हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट केंद्र हाउस होता है, चौथा स्थान। चार केंद्र हाउसेज हैं हमारी पत्रिका में, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ। तो फोर्थ हाउस हमारे जीवन में जो है आप मान के चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक केंद्र होता है। आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं, इम्पॉर्टेंट के रूप में अगर देखा जाए, क्योंकि यहीं से हमारी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, हैप्पीनेस है, प्रॉपर्टी है, माँ है, हमारे व्हीकल्स हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है चीजों को लेके, जो हमारी सोच है ना पढ़ाई को लेके, ज्ञान को लेके, वो इस घर से देखी जाती है। तो फोर्थ हाउस हमारे पूरे चार्ट में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हैप्पीनेस की हम बात करें, क्योंकि अंततः हम सब कुछ क्यों करते हैं अपने जीवन में, भाई हैप्पीनेस के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए करते हैं, संतोष के लिए करते हैं, कंटेंटमेंट के लिए करते हैं। तो फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और आज के समय में, आज के कलयुग में ये जो फोर्थ हाउस है, कई बार लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ प्रदान करने लग जाता है। कई बार लोगों को वो हैप्पीनेस नहीं मिलती, कई बार घर में वो प्रेम नहीं मिलता, कई बार उनको छोड़ के जाना पड़ता है अपना प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिक जाती हैं, काफी चीजें होती हैं फोर्थ हाउस से रिलेटेड। अगर कहा जाए ये वो समय भी है जिससे हमको माँ से संरक्षण मिलता है, उनका प्रेम मिलता है, साथ मिलता है, सानिध्य मिलता है, सारा चीजें फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, यहां पे जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपका फोर्थ हाउस कहीं गड़बड़ तो नहीं है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसमें उसका उपाय भी अवश्य मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर मरण कारक स्थान में बैठे हुए किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो देखिए जीवन में हमारे जो है वो प्रॉपर्टी, मदर, हमारे इमोशंस, हमारे हैप्पीनेस को लेके उन चीजों से बहुत फर्क आ जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने बताया आपका अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड मरण कारक स्थान में बैठे हुए ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे मेष लग्न की पत्रिका है और चंद्रमा जो कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वहां पे, वो शुक्र के साथ बैठ जाए छठे स्थान पे। शुक्र जो है छठे स्थान पे मरण कारक होता है, कहने का अर्थ है यहाँ पे वो अपने नेचुरल वे में काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसके लिए ये मरण कारक स्थान बन जाता है शुक्र के लिए। अब इसी के साथ अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा भी बैठा हुआ है तो ये हमारे जीवन में देखिए प्रॉब्लम्स शो करेगा, प्रॉपर्टी को लेके, हैप्पीनेस को लेके, मदर को लेके, और साथ में वीनस जिन चीजों से रिलेटेड है उन चीजों से रिलेटेड भी हमारे जीवन में हैप्पीनेस चली जाएगी, जैसे कि हमारा बिजनेस, जैसे कि हमारा लाइफ पार्टनर या विवाह आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेष लग्न में सेवेंथ हाउस का लॉर्ड होता है शुक्र। अब अगर वो आपकी पत्रिका के नेचुरल हैप्पीनेस के प्लैनेट के साथ, चंद्रमा के साथ अगर सिक्स्थ में बैठ गया, मरण कारक स्थान होता है शुक्र का वो,
तो यहां से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, आप यू मान के चलिए। उसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक होते हैं या समझना आवश्यक होता है कि हमको इन चीजों में किस प्रकार से अपने जीवन में चलना पड़ता है। देखिए, उपायों के साथ साथ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई बार हमको ये समझना पड़ता है कि भाई हमको अपनी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। कई बार हमको समझना पड़ता है कि हमको अपने विवाह को एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलाना पड़ेगा। ये कोई एक ऐसा आनंददायक विषय फिर बन के नहीं रह जाता है कि आदमी अपने मन में ख्याल बना के सोचे हुए है कि विवाह होगा, बड़ा आनंद होगा, लाइफ पार्टनर से बड़ा प्रेम मिल रहा है और घुल मिल के रह रहा है। नहीं, वहां चैलेंजेस होंगे। उन चैलेंजेस को हमको निपटने के लिए अपना अपना एक व्यू पॉइंट जो है बदलना पड़ सकता है। हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे हम नौकरी करने कहीं जाते हैं तो हम उसमें तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई अब हम 6 बजे आएंगे, 8 बजे जाएंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक पैरामीटर है जिसको हमें फॉलो करना है। तो ऐसी स्थितियों में भी हमको स्वयं की खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, घर को बनाए रखने के लिए, माहौल ठीक रहे, घर का वातावरण ठीक रहे, हमको अपने जीवन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहीं से पॉइंट आता है कि भाई हम प्रारब्ध में जो लिखवा के लाए हैं वो हमको भोगना पड़ेगा। अब हम उसको रियलाइज कर लें, हाँ, उसको हम दूर करने के लिए, ताकि कल को कोई परेशानी जो हमारे ऊपर आ रही है वो कम हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, समय से दूर हो जाए, ये हमें उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। लेकिन रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपकी पत्रिका में, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है बाधक स्थान में आपकी पत्रिका में, और बाधक लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तब देखिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई चीजों को लेके यहां प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब आप देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका पत्रिका में बाधक स्थान में बैठा हुआ है। जैसे अब अगर हम लोग मेष लगन की बात करते हैं तो मेष लगन में जो बाधा का स्थान होता है वो होता है 11वां स्थान, शनि महाराज का स्थान। अब अगर हमारी पत्रिका में मान लीजिए 4थे स्थान का स्वामी, मेष लगन का उदाहरण यहां ले रहे हैं, बाधा के स्थान में जाके बैठ गया है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठ गया है मेष लगन वालों के लिए, तो यहां पे देखिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। किन चीजों को लेके? प्रॉपर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, मदर से रिलेटेड किन्हीं चीजों को लेके वो बाधा उत्पन्न कर सकता है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे वो बाधक स्थान के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, शनि महाराज के साथ बैठा हुआ है, तब आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम जो है कभी बढ़ जाती है। टाइम पीरियड होते हैं उसके, ये हमेशा नहीं है कि जीवन भर रहने वाला, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉब्लम को शो करता है। हम अगर टॉरस लगन की बात करते हैं तो टॉरस लगन में देखिए बाधा का स्थान होता है 9th। अब अगर टॉरस लगन वालों के लिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य उनके 9th हाउस में जाके बैठ जाता है, तब भी देखिए प्रॉब्लम्स रिलेट शो कर सकता है। फादर से लेके मदर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज को लेके, इन सारी चीजों में, इन गतिविधियों में कहीं ना कहीं असमंजस, प्रॉब्लम की स्थिति एक क्रिएट हो सकती है। ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए। अगर हमारी फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, अगर वो बाधा स्थान में जाके बैठा हुआ है, बाधक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, तब ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ सकती है। कौन सी प्रकार की हैप्पीनेस हमारे जीवन से चली जाएगी वो देखना देखिए जरूरी होता है। अब उसके लिए कई चीजें देखनी होती है ना, कि अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में मंगल भी खराब बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम समझ जाएंगे कि भाई हाँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने की संभावना ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो अगर बाधा स्थान में जाके बैठ गया है तो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है या खरीद नहीं पाते हैं, मंगल भी खराब है जो प्रॉपर्टी का कारक प्लैनेट है, तब हम समझ जाते हैं कि भाई हाँ ऐसी चीज है। और मान लीजिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड
पत्रिका में बाधा स्थान पे जाके बैठा है, जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया टॉरस एसेंडेंट का, वहां पे सूर्य है और वो नाइन्थ हाउस में जाके बैठा है, और मान लीजिए ऐसी स्थिति में पत्रिका में चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तब हम लोग और क्या इससे संदर्भ लेंगे, अच्छा हमारी पत्रिका में फोर्थ हाउस का लॉर्ड बाधा स्थान में बैठा हुआ है, चंद्रमा हमारी पत्रिका में केतु के साथ बैठा हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, माताजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक होता है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में बाधा में बैठा हुआ है, तो कई बार हमारे अपने इमोशंस, हमारी अपनी हेल्थ, हमारे माता जी की हेल्थ या उनसे किसी प्रकार का हमारा सेपरेशन हो जाना, दूर हो जाना, ये सारी चीजें देखिए शो करता है या उनके हेल्थ इश्यूज को शो करेगा। तो देखिए यहां से हमारी हैप्पीनेस जो है वो कम होती है इन चीजों को लेके। तो दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आपकी पत्रिका में फोर्थ हाउस का लॉर्ड मरण कारक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है उसी स्थान पे, आपको मैंने मरण कारण का वीडियो भी बनाया हुआ है, बताया है कि कौन कौन से मरण कारक स्थान होते हैं प्लैनेट्स के, उनके साथ वहां पे वो अगर प्लैनेट बैठा है फोर्थ हाउस का लॉर्ड, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी पत्रिका में चौथे स्थान पे या फोर्थ हाउस में मालूम पड़ा बाधकेश बैठा हुआ है, यहां पे बाधकेश बैठा हुआ है आपकी पत्रिका का, जो भी बाधकेश है, जैसे मैंने बताया मेष लगन जिनकी पत्रिका है, ये इस तरीके से मान के चलिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए, जिनका चर लगन होता है उनके लिए जो बाधक स्थान होता है वो होता है इलेवेंथ, जिनका स्थाई लगन होता है उनके लिए बाधा का स्थान होता है नाइन्थ, और जिनका द्विस्वभाव लगन होता है उनके लिए बाधा का स्थान होता है सेवेंथ हाउस। जैसे मेष लगन के लिए नाइन्थ हाउस, जैसे मेष लगन के लिए इलेवेंथ हाउस बाधा का स्थान है, टॉरस वालों के लिए, वृष लगन वालों के लिए नाइन्थ हाउस बाधा का स्थान है, मिथुन लगन वालों के लिए सातवां स्थान बाधा का स्थान है, ये चीज याद रखिएगा। और फिर इसको रिपीट करते हैं, जैसे कर्क राशि के लिए फिर इलेवेंथ हाउस बाधा का स्थान है, सिंह लगन वालों के लिए नाइन्थ हाउस बाधा का स्थान है, और कन्या लगन वालों के लिए सेवेंथ हाउस बाधा का स्थान है। इसी तरीके से हम लोग फिर और आगे लग्नों का देख लेंगे। अब आपकी पत्रिका में तीसरा जो पॉइंट था, फोर्थ हाउस में अगर केतु महाराज बैठे हुए हैं और साथ में बाधकेश बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए कि ये एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मेष लगन की पत्रिका है और चौथे स्थान पे केतु महाराज बैठे हुए हैं कर्क राशि में और शनि महाराज बैठे हुए हैं, ये आप मान के चलिए कि बहुत एक कर्स वाली सिचुएशन को शो करता है। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड हमारा अपना मन, परिवार, बचपना, माताजी, हैप्पीनेस, घर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार हमको अपना देश छोड़ के शायद शांति प्राप्त होती है। तो थर्ड पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी पत्रिका में फोर्थ हाउस में केतु बैठा है और साथ में बाधक स्थान का प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो भी देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के साथ अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए कोई मेलिफिक प्लैनेट भी बैठा हुआ है और उसके साथ भी बाधक स्थान का प्लैनेट आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है, तो भी यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। कोई भी प्लैनेट हो, केतु अगर फोर्थ में बैठा है तब तो वो एक बहुत खराब कंडीशन है, और उसके साथ बाधक स्थान का स्वामी अगर बैठ जाता है तो ये तो एक हो जाता है ना कि भाई एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा वाली बात हो गई यहां पे। लेकिन मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में यहां सूर्य बैठे हैं, सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, और सूर्य नारायण क्रूर प्लैनेट में गिने जाते हैं, वो चौथे स्थान पे आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं और बाधक स्थान का प्लैनेट भी वहां पे आके बैठ जाता है, तो भी ये एक प्रकार से कठिन स्थितियां शो करता है हमारे हैप्पीनेस, परिवार, माताजी,
हमारे अपनी प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों को लेके कभी ना कभी हमको जीवन में उस प्रकार के थॉट प्रोसेस से निकलना पड़ता है जहां पे हम बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस हमको उठाना पड़ता है। इतना अवश्य ध्यान रखिएगा। आगे इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये देखिए आपके चार्ट में वास्तु दोष को भी शो करते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपका अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है, अगर आपकी पत्रिका में मरण कारण स्थान पे किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि मेष लगन की पत्रिका है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा शुक्र के साथ छठे में बैठा हुआ है, शुक्र के लिए छठा स्थान हो गया मरण कारक स्थान, अब उसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब आपके घर में वास्तु दोष की भी प्रॉब्लम है। अगर आपकी पत्रिका में चौथे स्थान पे केतु बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, मेष लगन की पत्रिका है और वहां पे बाधक स्थान का स्वामी शनि भी बैठा है, ये भी बताता है कि आपके घर में जो है वो वास्तु दोष है। वास्तु दोष को समझने के लिए भी ये बात रखिए, ये बात समझिए कि मैं आपको पॉइंट्स ये वाले बता रहा हूं। अब देखिए एक चौथा पॉइंट है, अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए नाइन्थ हाउस में और इलेवेंथ हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मान लीजिए नाइन्थ हाउस में मंगल महाराज बैठे हैं, इलेवेंथ हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, या राहु बैठे हैं या केतु बैठे हुए हैं, इस तरीके से मान लीजिए, तो आप ये याद रखिए कि जब इनकी जो नेचुरल एज होती है प्लैनेट्स की, जैसे मंगल की नेचुरल एज होती है 28 साल, शनि महाराज की नेचुरल एज होती है 36 साल, राहु और केतु की नेचुरल एजेस होती हैं 42 साल और कहीं कहीं 48 साल लिया जाता है 48 केतु के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की पत्रिका में 11वें स्थान में राहु महाराज बैठे हुए हैं और 9वें स्थान पे शनि महाराज बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में, अब वो व्यक्ति अगर अपने जीवन में मान लीजिए 36 साल की उम्र में घर बनाता है, क्योंकि 36 साल शनि की एक एज है, उस समय उसके जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स घर कर सकती हैं, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा। और दूसरी तरफ राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो 42 साल की उम्र में अगर हम कोई मकान प्रॉपर्टी इस तरीके का काम करते हैं तो वो हमारे लिए ट्रिगर कर सकता है कई चीजों को। 9th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके भाग्य को खराब कर सकता है, 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जो भी होगा वो आपकी इनकम को खराब कर देगा, अगर आप उनकी एजेस के निकट जो है कहीं मकान या प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हों आपके चार्ट में, जैसे 11th हाउस में कोई बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है और 9th हाउस में कोई बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उनकी एजेस में हमको वैसे भी सतर्क रहना चाहिए रिगार्डिंग के हमारे घर परिवार, हमारी माताजी, हमारी प्रॉपर्टी, इन सब को लेके किसी प्रकार का कोई बैड एक्सपीरियंस ना होने पाए। दशा भी अगर वैसी चल रही है तो ये समय ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में बहुत बड़ा चेंजेस का, या हो सकता है आपकी माताजी की तबीयत खराब होना या किसी प्रकार की समस्या उन चीजों से रिलेटेड भी देखिए हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, माताजी के घर के साथ ही फोर्थ हाउस से साथ ही मैं आपको एक 9th हाउस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देता हूँ। देखिए आपकी पत्रिका में अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है मान लीजिए, और आपकी पत्रिका में चंद्रमा से भी चौथे स्थान का स्वामी खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए कि माता जी के आयु के ऊपर संकट आ सकता है, या आपका उनके साथ रहने का टेन्योर बहुत कम शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, आप चले जाएं, मत मिलें, सेपरेशन हो जाए, एक दूसरे से बहुत सालों से नहीं देख रहे हैं, अलग हैं, किसी ना किसी कारणवश जातक दूर हो जाता है, या अर्ली डिमाइस भी शो करता है माँ की कभी कभार। तो जब ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट को समझ लीजिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है आपके चार्ट में, दूसरा चंद्रमा से
फोर्थ हाउस का लॉर्ड वो भी खराब बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में माता जी की आपके साथ जो है वो बिछड़ाव या अलगाव बहुत जल्दी हो सकता है, ये देखने का विषय, और भी चीजें पत्रिका में देख के ये तय किया जा सकता है। उसी तरीके से आपकी पत्रिका में अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नीच का है, आठवें में, बारहवें में, छठे में पड़ा हुआ है, और सूर्य से, सन से भी नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए पिता की आयु पे भी संकट हो सकता है, या शीघ्र जा सकते हैं, या किसी प्रकार की अनहोनी उनके साथ घटित जीवन में हो सकती है। दोनों पॉइंट अवश्य याद रखने चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे नेचुरल हैप्पीनेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट्स की वजह से हमारे ऑल ओवर जीवन में आप देखेंगे कि एक हैप्पीनेस की कमी और भाग्य की कमी रहती ही रहती है। जनरली हम मान भी लें कि अगर हमारे फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब बैठा है और फोर्थ चंद्रमा से फोर्थ हाउस का प्लैनेट वो भी खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारी हैप्पीनेस वैसे भी खराब हो रही है, कहीं और भी खराब होती रहती है, हमको खुशी मिल नहीं पाती है। आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, माता जी का जल्दी जाना तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन एक जो नर्चरिंग है, एक प्रेम है, एक जो इमोशंस है, वो हमको सही तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं हो पाते हैं, हमको मिल नहीं पाती है वो चीज जो हम चाहते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगर हमारे नाइन्थ हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है और सन से भी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, जहां पे भी आपका सन बैठा है पत्रिका में, वहां से नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो अगर वो भी खराब होगा, तब आप मान के चलिए कि आपके भाग्य में बहुत भारी कमी होगी, बड़ी मेहनत करने के बाद भी जीवन में आप उठ नहीं पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती हैं ये सारी चीजें, इस बात को याद रखना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए पॉइंट आता है कि फोर्थ हाउस जो है हमारा, इसको ठीक कैसे किया जाए। कई लोगों के चार्ट में अगर ये खराब है, उनकी पत्रिका में वास्तु दोष दिखा रहा है, घर में, कहने का मतलब है उनके जीवन में काफी प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं, साथ में कई चीजों को समझना भी होता है, इसके ऊपर मैं अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा। उदाहरण के तौर पर जैसे चौथे स्थान का स्वामी अष्टम में पड़ा हुआ है किसी की पत्रिका में, तो अब ये बट नेचुरल सी बात है, फोर्थ हाउस है हमारा, एक जैसे कहा जाता है हैप्पीनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, अब उसका लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला गया तो या तो हमको हैप्पीनेस प्राप्त होगी कौन सी चीजों से, जो रिसर्च की हैं, अकल्ट की हैं, विदेश से संबंधित हैं, हमको वहां से होंगी, क्योंकि चौथा स्थान क्या है, हमारी माँ का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, हमारी लैंड का, हमारे देश का जिसको कहा जाए ना, मात्र स्थान है हमारा, जहां हम पैदा हुए हैं जिस देश में, वो लॉर्ड उठ के आठवें स्थान में अगर चला गया मान लीजिए, तो वो बता रहा है कि वहां से वो आपको पृथक करना चाह रहा है, अलग करना चाह रहा है, तो शायद ऐसा व्यक्ति विदेश जाए तो वहां पे उसके भाग्य चमक उठे, वहां पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, जबकि बाहर जाएगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा जीवन में राइज करे, नौकरी, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ उसको प्राप्त हो, और यहां अपने देश में रह के उसको वो चीजें ना प्राप्त हो पाए। तो देखिए ये एंगल भी समझना पड़ता है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारा जिस घर में बैठा हुआ है वो सिर्फ बुरा ही नहीं शो कर रहा है, वो कुछ और पॉइंट भी शो कर रहा है ना, कि हम वहां से बहुत बढ़िया हो सकते हैं, हमको उस घर से फिर लाभ प्राप्त हो सकता है, कहां से, विदेश जाके, या हम कह सकते हैं कि भाई हमको किसी भी प्रकार का रिसर्च, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, कोई ऐसे काम, बैंकिंग सर्विसेज, रिस्क, जिसमें रिस्क हमको कवर करना हो, कुछ ऐसी चीजें पढ़ना, वो हमको जीवन में खुशी प्रदान करेगा। अब हमको मालूम पड़ा फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारा एट्थ में बैठा हुआ है और हम बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई कि हम किचन में या शेफ बन जाए, बहुत बढ़िया शेफ बन जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारा एट्थ में बैठा हुआ है, वहां से कोई सिमिलैरिटी देखिए नजर नहीं आ रही है, और फिर आदमी कहेगा कि हाँ हमने जो काम किया उसमें हमको हैप्पीनेस नहीं मिली या हमको उसमें सक्सेस नहीं प्राप्त हुई, तो ये चीज भी जान लेना बहुत जरूरी है। यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा कि देखिए एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए
किसी भी स्थान से चौथे स्थान का प्लैनेट उसी घर में बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में सिक्स हाउस जो है वहां से आप अगर गिनेंगे चौथा स्थान तो पत्रिका में आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट आपकी पत्रिका में नाइन्थ में बैठा हुआ है और फोर्थ हाउस का प्लैनेट आपकी पत्रिका में मालूम पड़ा अष्टम में बैठा हुआ है। अब आप जीवन में ये कह सकते हैं कि भाई हमको जीवन में माता जी से संबंधित या प्रॉपर्टी या एजुकेशन या बचपने का जो हमारा घर का एटमॉस्फेयर था हमको अच्छा नहीं मिला या हेल्थ इश्यूज हमको रहे उन चीजों से हमारे जीवन में एक अनहैप्पीनेस क्रिएट हुई है। आप ये कह सकते हैं, ये बनता भी है। किसी लगन में किसी के चार्ट में भी बहुत ज्यादा होगा और किसी के चार्ट में ये देखिए पैरेंटल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज अकल्ट रिसर्च ये साइंटिस्ट ये सारी चीजें शो कर रहा होगा क्योंकि सबके साथ तो वो प्लैनेट वो चीज नहीं शो कर सकता है ना कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड एर्थ में बैठा हुआ है तो हमारी माता जी बीमार होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है पत्रिका में चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान हो तो वो उनके जीवन के किसी प्रकार के और कष्टों को शो कर रहा हो कि उनको मेंटल हैरेसमेंट हुआ हो किसी टाइम में किसी पोजीशन में, कभी वो बड़े टफ टाइम से होके निकली हो अपने चाइल्डहुड में अपने बचपने में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माता जी बीमार रहेंगी फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एर्थ में आके बैठ गया, ये उनके अपने लाइफ का सिनेरियो भी बता सकता है। हो सकता है अपने दिमाग से थोड़ा सा वो कभी नर्वस फील करती हो एंग्जाइटी फील करती हो ये वाली सिचुएशन भी शो करता है। और आपकी पत्रिका में जो कारक प्लैनेट है माँ का वो मालूम पड़ा मून, वो स्ट्रांग बैठा हुआ है सबसे ज्यादा षटबल का, तो काहे की प्रॉब्लम होगी माता जी को। तो कहने का अर्थ था कि देखिए जरूरी नहीं है, ये समझ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ना कोई सोचे कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ में आ गया या सिक्स में आ गया तो अब खराबी आ ही गई है, उसको इंटरप्रेट भी करना पड़ता है सही से। लेकिन मैं यहां क्या बता रहा था कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ में बैठा हुआ, नेचुरल हैप्पीनेस मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास नहीं मिल रही है। अब वहीं पे आप देखें कि सिक्स्थ हाउस से गिनने पे नाइन्थ हाउस जो है वो फोर्थ स्थान आगे होता है। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट आपकी पत्रिका में वहीं पे बैठा हुआ है, तब आपको हैप्पीनेस कहां से मिल सकती है ये भी याद रखिए। अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा छठे स्थान से गिनने पे नाइन्थ हाउस का प्लैनेट वहीं बैठा है, इसका मतलब सिक्स्थ हाउस का मतलब हो गया किसी भी प्रकार का कोई हीलिंग, किसी की सेवा करना, किसी को सलाह देना, किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स, किसी प्रकार का लोगों को न्याय दिलवाना, इन सारी चीजों से लेके भी हमको हैप्पीनेस प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जब सिक्स हाउस से रिलेटेड काम करेंगे तब हमको नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हैप्पीनेस मिलेगी और नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हैप्पीनेस क्या है? हमारा भाग्य बढ़ेगा, हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो हर घर से आप फोर्थ हाउस देख सकते हैं कि कहां से फोर्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है। मान लीजिए कि कहीं का प्लैनेट आपका एग्जॉल्टेड बैठा है, उच्च का बैठा है, आप वहां से देख लीजिए कि अच्छा मुझे ये काम करने से हैप्पीनेस अपने जीवन में प्राप्त होने वाली है, मैं ये काम करता हूं। ये चीज भी देखनी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से घर से फोर्थ हाउस जो है वो एग्जॉल्टेड राशि का कोई प्लैनेट बैठा है, कोई अपनी राशि का बैठा है, कहने का अर्थ है वो चीज वहां से भी आपको हैप्पीनेस और खुशी प्राप्त होगी। आप ये अवश्य याद रखिए, इस पॉइंट को क्लियरिटी से फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी पत्रिका में पंचम स्थान से अगर हम काउंट करेंगे और अष्टम स्थान आता है वहां से चौथा, अब आप मान लीजिए अष्टम स्थान का प्लैनेट आपकी पत्रिका में अष्टम में ही बैठा हुआ है, एर्थ हाउस का लॉर्ड एर्थ में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में। अब जब आप फिफ्थ से गिनेंगे तो फिफ्थ से गिनने पे ये आता है फोर्थ, तो पहले तो ये बताता है कि आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, वहां से सुख प्राप्त होगा, संतान से सुख प्राप्त होगा आपको बाद में। और एर्थ हाउस जिन चीजों से रिलेटेड है, पार्टनर के मनी से, हमारे लाइफ में बाहर काम करने के जो हम लोग जाते हैं उससे रिलेटेड पैसों का, अकल्ट रिसर्च साइंटिस्ट पीएचडी इन सारी चीजों से, उन सारी चीजों से भी हमको आनंद और सुख और हैप्पीनेस
प्राप्त होगी तो हमको यहां से भी प्राप्त हो सकती है हैप्पीनेस। सिर्फ ये हम नहीं देखेंगे कि फोर्थ हाउस से ही हमको एक हैप्पीनेस का कोशेंट देखना है। फोर्थ हाउस तो एक यूनिवर्सल हैप्पीनेस को शो करता है, वो बढ़िया बैठा है। कहने का मतलब है आपको कई प्रकार की हैप्पीनेस प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में भी बैठा हुआ है तो भी आप देखेंगे किसी भी स्थान से अगर उसका फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब बैठा होगा तब आपको मुश्किल या प्रॉब्लम उस घर से रिलेटेड, उन चीजों से रिलेटेड भी देखिए आ सकती है। ये पहली बात याद रखिएगा। मान लीजिए नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस हमारे फादर का, हमारे भाग्य का, हायर लर्निंग का सब होता है, और हमारे ट्वेल्थ हाउस में मेलिफिक स्थिति में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बड़ी खराब स्थिति बनी हुई है, तो हो सकता है हमको फादर से रिलेटेड हैप्पीनेस ना मिले, हमको हायर स्टडीज से रिलेटेड हैप्पीनेस ना मिले। ये सारी चीजें भी हमको देखना जरूरी होता है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। तो हर घर से उसका फोर्थ हाउस हैप्पीनेस शो करता है वहां से रिलेटेड। तो जिस घर से भी आप देखें कि वहां से उसका फोर्थ हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है, वहां से सबसे ज्यादा आपको हैप्पीनेस प्राप्त होगी और आपको वहीं पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे आपकी पत्रिका में अगर फोर्थ हाउस खराब है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां फोर्थ हाउस में पहला पॉइंट के किसी भी प्रकार का, आप ये याद रखिए, द्वादश अक्षरी मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। वजह, फोर्थ हाउस से जब आप गिनेंगे तो जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो होता है नाइन्थ, चौथे से जब आप गिनेंगे ट्वेल्थ को तो वो होता है नाइन्थ। ट्वेल्थ जो है ये फोर्थ हाउस का हीलिंग है, आप ये याद रखिएगा। फोर्थ हाउस अगर हमारा खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हम कौन सा मंत्र करेंगे? ट्वेल्थ हाउस से जनरेटेड लॉर्ड का, वो हमको मंत्र देगा। और वो कोई भी मंत्र द्वादश अक्षरी होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप मंत्र कर सकते हैं। देखिए चौथे स्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम माता की शरण जा सकते हैं। माता का कोई भी मंत्र हमारा द्वारा किया हुआ वो हमको हर प्रकार का सुख यहाँ पे देगा। फोर्थ हाउस नेचुरल मदर का हाउस होता है और ये रात्रि का भी समय दिखाता है या काली गायत्री का भी समय दिखाता है, तो ये माता से भी रिलेटेड है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्या हम अपने घर में साल में एक बार अगर जागरण कराते हैं माँ का, जगदम्बे का, अगर हम रात्रि जागरण कराते हैं तो क्या फोर्थ हाउस से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी? अवश्य दूर हो जाएंगी, मिराकल हो जाएगा, आप ये करके देखिएगा। इस तरीके की चीज, या आप स्वयं भी फोर्थ हाउस में किसी भी माता का मंत्र आप कर सकते हैं, तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी से, आपकी हैप्पीनेस से, आपकी मदर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में वो दूर होंगी। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, उसको सुदृढ़ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें पहली मदद लेनी पड़ती है ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की, वहां से हमको द्वादश अक्षरी मंत्र निकालना पड़ता है उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी वो देखिए प्लैनेट है। वैसे फोर्थ हाउस जो है विष्णु जी भी यहाँ पे कृपा करते हैं, तो जैसे मैंने आपको मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर खराब है या फोर्थ हाउस में भारी प्रॉब्लम्स आपकी पत्रिका में नजर आ रही हैं, जो कि वास्तुदेव दोष भी क्रिएट कर रही हैं, और या फिर जगदम्बे का, भवानी का, काली का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, यहाँ पे काली गायत्री भी करी जा सकती है, लेकिन गुरु से लेके करिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे रात्रि का जागरण साल में, वर्ष में एक बार अगर आप करते हैं तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर हो जाती हैं, ये भी अवश्य याद रखिएगा। हाँ, फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी हमारी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठता है वो हमारे पत्रिका में वहां से रिलेटेड सुख को भी दिखाता है। जैसे चौथे स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में नाइन्थ हाउस में जाके बैठेगा तो बट नेचुरल है फादर से, रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से, फॉरेन से हमको सुख दिखाएगा, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठा है वो भी हमारे एक सुख का द्योतक है, अनलेस कि अगर वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारा सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ में ना बैठा हो और फिर उसके बाद
बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में ना हो। जैसे सब लगन के लिए अलग होगा ना, अब फोर्थ मान लिया जाए मेष लगन वालों के लिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा अगर मेष लगन में एर्थ हाउस में आ गया वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो साइन में जहां पे वो नीच का होता है, तब स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी इन लोगों के लिए। तो इन कंपैरेटिवली टू दूसरे लगन के लिए ये देखना पड़ता है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जहां पे भी आपके चार्ट में जाएगा वहां पे वो शो करेगा कि आप वहां से हैप्पीनेस जनरेट कर सकते हैं। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।